नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे पूर्णिमा और उससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के विषय में। पूर्णिमा का वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, हिंदू संस्कृति में पूर्णिमा के क्या त्यौहार है, पृथ्वी पे और व्यक्ति के जीवन में पूर्णिमा का क्या प्रभाव होता है, हिंदू संस्कृति में सभी उत्सव चंद्रमा की कला के अनुसार निर्धारित तिथि के अनुसार मनाए जाते हैं, क्योंकि हिंदू कैलेंडर चंद्रमा की कला पर आधारित तिथि से बनता है। हर महीने पूर्णिमा के दिन चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के साथ एक सीधी रेखा में स्थित रहता है और इस तरह वह पूर्ण रूप से प्रकाशित दिखता है। हालांकि चंद्र का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, वह सूर्य के उस पर पड़ने वाले प्रकाश से प्रकाशित दिखता है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता है, तब सूर्य का प्रकाश न पड़ने के कारण चंद्रमा के ऊपर पूर्ण अंधेरा रहता है, जिसे हम अमावस्या कहते हैं। और जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के मध्य में होती है, तब पूर्ण प्रकाशित चंद्रमा पूर्णिमा होती है। दोनों परिस्थिति में चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल का खिंचाव पृथ्वी पर ज़्यादा होता है, क्योंकि सीधी रेखा में होने के कारण सूर्य का गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जुड़ जाता है, जिसकी वजह से इन दिनों में समुद्र या नदी के पानी में ज्वार की मात्रा बढ़ जाती है। इस तरह जब अष्टमी होती है, तब चंद्रमा केवल आधे के बराबर दिखता है। इस समय चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण 90 डिग्री के कोण में पृथ्वी पर लगता है, जो एक दूसरे के प्रभाव को रद्द यानी काफ़ी मात्रा में कम कर देता है। यही गतिविधि पृथ्वी पर और उसके ऊपर रहने वाले जीव और मनुष्य के लिए प्रभावकारी है, जिसके विषय में हम बताएंगे। जी हाँ, पृथ्वी के कई सारे जीव चंद्रमा की गति के पृथ्वी पर होने वाले प्रभाव के अनुसार अपने जीवन की गतिविधि करते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ प्रजाति की मछलियाँ और समुद्र जीव जब समुद्र के किनारे अंडे रखते हैं, तब वे निश्चित दिन, जो कि चंद्रमा की कला के अनुसार कहें तो निश्चित तिथि को यह काम करती है, जिससे उनको समुद्र में पूर्णिमा या अमावस्या के ज्वार से फैलने वाले पानी का उचित समय पर उपयोग हो जाए और वह पानी फैले उससे पूर्व अंडों को जरूरी पोषित किया जा सके। कैलिफोर्निया ग्रुनियन नाम की मछली की प्रजाति और कुछ प्रजाति के समुद्र कछुए में इस तरह की गतिविधि पाई गई है। है ना आश्चर्यजनक? प्रकृति में चंद्रमा की कला कैसे जीवों के लिए घड़ी का काम करती है। इस तरह हिंदू संस्कृति में हमेशा प्रकृति को ध्यान में रखते हुए विधियाँ और उत्सवों को मनाया जाता है। चंद्रमा पुरातन काल से समय की निश्चितता के लिए महत्वपूर्ण रहा है। हिंदू संस्कृति प्रकृति और मनुष्य के बीच तालमेल बना रहे, इस प्रकार के वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित रही है। हिंदू संस्कृति में पूर्णिमा के सभी अवसरों का महत्व किया गया है। चलिए एक नज़र डालते हैं इन सभी त्यौहारों पर। कार्तिक मास की पूर्णिमा, देव दिवाली, मार्गशीर्ष या माक्षर महीने की पूर्णिमा को दत्तात्रेय जयंती के रूप में मनाया जाता है। पौष पूर्णिमा को पोषी पूर्णिमा या शकम्भरी पूर्णिमा, महा महीने की माघी पूर्णिमा, फाल्गुन में होने वाली पूर्णिमा होली के नाम से मनाई जाती है। चैत्री पूर्णिमा हनुमान जयंती से मनाई जाती है। वैशाखी पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से मनाई जाती है। ज्येष्ठ या जेठ पूर्णिमा को वट पूर्णिमा का त्यौहार होता है। आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा से मनाई जाती है। श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन से मनाई जाती है। भाद्रपद पूर्णिमा से श्राद्ध शुरू होता है और इसे मधु पूर्णिमा से भी मनाया जाता है। अश्विनी यानी आशो, कोजागिरी या शरद पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। पूर्णिमा के ये सारे अवसर साल भर में अलग अलग तरीके से मनाए जाते हैं, जिसमें ऋतु में बदलाव के साथ होने वाले प्रभाव को कम करने के हेतु से विधियां की जाती है। हिंदू संस्कृति में 6 ऋतुओं का वर्णन मिलता है, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। आयुर्वेद के अनुसार शरीर की 3 प्रकार की प्रकृति होती है, जो है कफ, पित्त और वात। उनका प्रकोप इन ऋतुओं के बदलाव के साथ कम ज़्यादा होते हैं और इनका प्रभाव अलग अलग व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार अलग अलग मात्रा में होता है। इस बदलाव के साथ पूर्णिमा के दिनों में चंद्रमा और सूर्य के संयुक्त गुरुत्वाकर्षण के कारण समुद्र या नदी में देखे जाने वाले प्रभाव की तरह व्यक्ति के शरीर पर भी प्रभाव करता है, क्योंकि शरीर में अधिकतर मात्रा में जल तत्व होता है। यह जल तत्व व्यक्ति के हार्मोन के रसायन, खून और पानी का समावेश करता है। इसी रासायनिक तत्व से व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति या संतुलन जुड़ा हुआ है। साधारण रूप से सभी व्यक्ति में प्रकृति के भेद से संतुलन अलग अलग होता है,
इसीलिए बाहरी रूप से पूर्णिमा का प्रभाव मालूम नहीं पड़ता, किंतु यदि हम ठीक ठीक अनुभव करें तो यह अंतर पता चलता है और कुछ व्यक्ति में खास प्रभाव देखने को मिलता है। पूर्णिमा के पर्व के दिन होने वाली विधि या रीति रिवाज इनको ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उदाहरण के तौर पर फाल्गुन में आने वाली पूर्णिमा को होली जलाकर उसकी परिक्रमा करके पूजा की जाती है। वसंत ऋतु के इस दिनों में शरीर में कफ की मात्रा बढ़ती है। होली का दहन की गर्मी से अतिरिक्त कफ की मात्रा में कमी होती है। और एक उदाहरण है शरद पूर्णिमा। ये वो दिन है जहाँ से वर्षा ऋतु का अंत होता है और शरीर में पित्त का प्रकोप बढ़ता है। इसीलिए शरद पूर्णिमा की रात को दूध से बनी खीर या दूध से बनी अन्य चीज़ों का सेवन किया जाता है, जिससे कि पित्त की अतिरिक्त मात्रा में कमी होती है और उनसे होने वाले दुष्प्रभाव को नकारा जा सकता है। इस प्रकार सभी पूर्णिमा विभिन्न रीतों से मनाई जाती है, किंतु सभी पूर्णिमा में उपवास का चलन सामान्य है। ये उपवास के पीछे वैज्ञानिक कारण शरीर के जल तत्व के वेग को संतुलित रखने का है। खाद्य पदार्थ शरीर की प्रकृति को सबसे जल्दी प्रभावित करता है। उपवास रखने से कम मात्रा में खाद्य पदार्थ शरीर में जाता है और इस तरह उनका नकारात्मक प्रभाव सार्थक तरीके से कम करता है। दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी महान हिंदू संस्कृति से जुड़ी हुई। ऐसी बहुत सी जानकारी हम हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, जिससे हिंदू संस्कृति की अस्मिता जो कुछ दशकों में खो सी गई है वह पुनः स्थापित हो सके। विज्ञान से जुड़ी महान संस्कृति को जानने के लिए आज दुनिया के कई देशों में इसका अध्ययन किया जा रहा है। जो चीज़ें विज्ञान कुछ सालों तक नहीं जानता था वह हमारी संस्कृति में काफ़ी पहले से उपयोग में ली जा रही थी, और कई चीज़ों के विषय में विज्ञान आज भी वेदों या ग्रंथों के आधार से प्रभावित है। दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अन्य लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।